फ्रेंड्स, माय नेम इज दुर्गेश मालकार और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेज सेट के बारे में। तो स्टेज सेट होता क्या है, कहां पर यूज करना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है स्टेज सेट, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है LT लाइट डायग्राम, ठीक है। ये हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग का LT टर्मिनल है। ये क्या है, LT टर्मिनल, ये ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से LT सप्लाई एक पोल से दूसरे पोल में गए हुए हैं। ये हम लोग का क्या है, LT सप्लाई, ठीक है। अब ये हम लोग का LT सप्लाई हो गया। और दोस्तों, स्टेज सेट कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। यूज ऑफ स्टेज सेट, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट स्टेज सेट यूज किया जाता है स्टार्टिंग पोल पे, आप देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग पोल पे खिंचाव अधिक होता है, इसलिए आप स्टार्टिंग पोल पे फर्स्ट स्टेज दोगे, ठीक है। उसके पश्चात इंड पोल पे आप एक स्टेज दे सकते हो। हमेशा दोस्तों इंड पोल पे ही स्टेज लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि इंड पोल पे खिंचाव बल और अधिक होता है। यहाँ एक तो स्टेज लगाओगे इंड पोल पे, फर्स्ट हो गया स्टार्टिंग पोल पे, ठीक है। सेकेंड हो गया इंड पोल पे, और थर्ड होता है दोस्तों आप ऐसे प्लेस में यूज करोगे जहां पर टर्न होगा। जैसे देखिए, यहां पर जो LT लाइट है वो टर्नली है, मतलब मुड़ा हुआ है, यहां से ऐसे हुआ है, मतलब नीचे की ओर गया है या ऊपर की ओर गया है। तो टर्निंग पॉइंट पे, जहां पर आपका टर्न होता है, वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जहां पर टर्न होंगे। अब ये तो हो गया स्टेज सेट का यूज। अब देखते हैं दोस्तों कि स्टेज सेट में आपको यूज करने के लिए क्या क्या एक्सेसरीज लगते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम को देखिए, ये हम लोग का PCC पोल है 8 मीटर। 8 मीटर का मान के चलो, ये हम लोग का PCC पोल, प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC पोल है, ठीक है। और ये हम लोग का इंसुलेटर है, सेकेल इंसुलेटर है। और इन सेकेल इंसुलेटर पर 3 फेज गए हुए हैं और एक न्यूट्रल, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों, मान के चलिए ये टर्निंग पोल है या फिर इंड पोल है, ठीक है। तो इंड पोल पे यहाँ पर हीट सिरा में 800 mm दूरी रहता है। जैसे ये PCC पोल है, ठीक है, PCC पोल का ये मान के चलो फर्स्ट होल है, तो यहाँ पर 100 mm की डिस्टेंस रहेगी। और उस डिस्टेंस में आप टू होल क्लैंप यूज करोगे। ये क्या है, टू होल क्लैंप, ठीक है। ये हम लोग का टू होल क्लैंप है। इस टू होल क्लैंप में ये कंडील लगा हुआ है, इसको कैंडल कहा जाता है दोस्तों, या फिर टर्न बकल के नाम से जाना जाता है। ये यदि डोमेस्टिक वर्ड में देखें तो ये हम लोग का है कंडील, और यदि टेक्निकली देखें तो ये हम लोग का है टर्न बकल, ठीक है। और इस टर्न बकल पर एक होल रहता है, उससे हम लोग का लगा रहता है, ये हम लोग का कहलाता है आई रॉड। इस आई रॉड में देखिए, ये आई रॉड है हम लोग का। इस आई रोड में ये है स्टे वायर, ये क्या है, स्टे वायर। और जो स्टे वायर होता है दोस्तों, जैसे कोई स्टे वायर है ना, वो 8 LWG, LWG का फुल फॉर्म होता है स्क्वायर वायर गेज। ये जो HWG है स्क्वायर वायर गेज, उसका फुल फॉर्म होता है। और स्टे कंडक्टर में या स्टे तार में, स्टे तार में 4 से 7 GI कंडक्टर आपस में लपटे जाते हैं और स्टे कंडक्टर या स्टे तार तैयार किया जाता है, ठीक है। और यह है, ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने ये बड़ा करके बताया है, ये हम लोग का स्टे इंसुलेटर, आप इसको बोल सकते हो स्टे इंसुलेटर, ठीक है, स्टे इंसुलेटर या फिर गे इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, स्टे इंसुलेटर या गे इंसुलेटर।
इसमें टू होल होते हैं दोस्तों। एक होल में ये सिरा का जो है स्टे कंडक्टर होता है, और सेकेंड होल में होता है दूसरे सिरा का स्टे कंडक्टर, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, ये मान के चलो ये हम लोग का है ग्राउंड है, भूमि है, ठीक है। और इस भूमि पर हम लोग का स्टे प्लेट लगा हुआ है, और इस स्टे प्लेट से कनेक्ट रहता है, जिसे एंकर रॉड के नाम से जाना जाता है। एंकर रॉड, एंकर रॉड को आप मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखे, ये मान के चलो आपका है एंकर रॉड, ठीक है। तो इस एंकर रॉड की जो ठीक होती है, जो मोटाई होती है 6 mm होती है, और इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों 1500 mm या फिर 1800 mm की एंकर प्लेट या एंकर रॉड आती है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एंकर रॉड पर ग्राउंड करना है, किसी भूमि पर रखना है या भूमि में गाड़ना है। उसके लिए ये जो टेक्निकल डायग्राम आता है दोस्तों, ये आपका होना चाहिए, ये जो चौड़ाई है दोस्तों 500 mm, ठीक है, और ये होना चाहिए 1500 mm। ये 500 mm होगा, ये 1500 mm होगा, ठीक है। तो और इसको जैसे ये 1500 mm यहाँ की लेंथ है, लेंथ, ठीक है, लेंथ है। तो इस लेंथ में आप 800 mm तक पत्थर या ईंट डालेंगे, और 400 mm तक, 400 mm तक आप मिट्टी डालेंगे। उसके पश्चात आप ऊपर डाल सकते हो, कुछ भी ऊपर डाल सकते हो, ठीक है, उसको गड्ढा को भरने के लिए। ये हम लोग का एसेसरीज हो गया दोस्तों। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टे सेट्स होते हैं वो डीपी पे भी यूज किए जाते हैं। डीपी पे कैसे यूज किए जाते हैं, साइड साइड में दोस्तों खिंचाव को कम करने के लिए और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए स्टे सेट यूज किए जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।